गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आशा एजुकेशन। आज हम करेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस का लेसन 19, आवर फ्रेंड्स एनिमल। तो आइए शुरू करते हैं। द चिल्ड्रन इन द क्लास वर स्टार्टेड ऑन हियरिंग द साउंड टक। क्लास में बच्चों ने टक की आवाज सुनी, टक का साउंड सुना। द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन, और जो साउंड है वो सीलिंग फैन से आया था, यानी छत पे जो पंखा लगा है उस पर से आया था। कल्याणी शाउटेड, कल्याणी चिल्लाई। लुक लुक द बर्ड इज हर्ट, देखो देखो चिड़िया की चोट लगी है, वो घायल हो गई है। पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड, पीटर उठा और जल्दी से उसने क्या करा, चिड़िया को उठा लिया। इट वॉज इन पेन, वो दर्द में थी, उसके चोट लगी थी, वो क्या हुआ था, पंखे से टकरा के गिर गई थी तो उसकी चोट लगी थी, इसलिए वो उसको पेन हो रहा था। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल, नवजोत और अली जल्दी से कटोरी में एक पानी ले आए। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड, पीटर ने प्यार से बर्ड को सहलाया। पैटेड का मतलब होता है जब आप प्यार से किसी एनिमल को सहलाते हैं, जैसे कि उसके ऊपर हाथ फिराते हैं, जैसे डॉग के ऊपर हाथ फिराते हो आप या काऊ के ऊपर हाथ फिराते हो तो उसको पैटेड कहा जाता है। इसी तरीके से पीटर ने प्यार से उस चिड़िया के ऊपर हाथ फिराया। दे हेल्ड द बाउल टू द बर्ड बीक, और जो पानी का जो बाउल था वो उसकी चोंच के पास ले गए, चोंच के पास जाके पकड़ लिए जिससे कि वो पानी पी सके। इट ड्रैंक अ लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग, उसने बहुत थोड़ा सा पानी पिया और उसने धीरे धीरे अपने पंखों को फ्लैप करना, हिलाना स्टार्ट कर दिया। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक, नवजोत ने सब बच्चों को पीछे हटने के लिए कहा। दे नोटिस्ड दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई, उन्होंने इस बात को नोटिस किया, देखा कि चिड़िया जो है उड़ने की कोशिश कर रही है। इन अ वाइल द बर्ड फ्लू अवे, कुछ ही देर में चिड़िया उड़ गई। नेक्स्ट डे चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड करकलिंग अबव देम इन देयर क्लासरूम, नेक्स्ट डे बच्चों ने जो है चिड़िया की जो आवाज, चिड़िया की जो चीची करकलिंग की आवाज होती है वो क्लासरूम के ऊपर सुनी। दे चिल्ड्रन ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज अ सेम बर्ड दैट वॉज हर्ट द प्रीवियस डे, बच्चों ने पता करने की कोशिश की कि क्या ये वही चिड़िया है जिसको कल चोट लगी थी। दे क्विकली स्विच ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप, उन्होंने जल्दी से स्विच ऑफ करा फैन का और ताली बजाना शुरू किया। पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, ये नीचे कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिनके ऑर्डर जो है गलत है तो इनको हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, यानी जो काम पहले हुआ है उसको नंबर 1 डालना है, जो दूसरे नंबर पे हुआ है उसको 2 डालना है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या हुआ है, सबसे पहले नंबर पे हुआ है लास्ट वाला सेंटेंस जो है द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन, बर्ड के जो है फैन से जो चोट लग गई थी, खुद ही चोट लग गई थी, तो सबसे पहला सेंटेंस ही है, इसमें हम 1 डालेंगे सबसे लास्ट वाला जो सेंटेंस है। फिर सेकंड जो है वो क्या है, नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल, नवजोत और अली उसके लिए पानी लाए थे जल्दी से, तो इसमें नंबर 2 डालेंगे। नंबर 3 जो है वो सबसे पहले नंबर का सेंटेंस है, पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड, पीटर ने प्यार से चिड़िया को सहलाया था, ये नंबर 3 है। नंबर 4 है लास्ट सेकंड जो लाइन है, द बर्ड फ्लू अवे, चिड़िया उड़ गई, ये 4 नंबर का है। और लास्ट 1 है द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड करकलिंग इन द क्लासरूम, तो ये जो कॉलम है इसमें नंबर किस तरीके से आया है, सबसे पहले कॉलम में 3 नंबर, उसके बाद 5 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 4 नंबर और सबसे लास्ट वाले कॉलम में है 1 नंबर। एक बार और सुन लीजिए क्या सीरीज है इनकी, 3 5 2 4 1, इस तरीके से ये नंबर इस कॉलम में डले हुए हैं। शंकर वॉज वेरी हैप्पी, शंकर बहुत खुश था। अ कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किटन इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस, एक बिल्ली ने 4 बच्चों को बर्थ दिया था, जन्म दिया था उसके कोर्टयार्ड में, उसके घर के कोर्टयार्ड में। कोर्टयार्ड क्या होता है बच्चों, कोर्टयार्ड मतलब कोई भी वो ओपन एरिया जो चारों, जिसके चारों दीवार है, जैसे कि कोई आंगन है, कोई चौक है। कोर्टयार्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसको कहेंगे एन ओपन एरिया सराउंडेड बाय वॉल, कोई भी ओपन एरिया जिसके चारों तरफ दीवारें हैं उसको कोर्टयार्ड कहा जाता है, हिंदी में उसको हम आंगन चौक कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसे ही कोर्टयार्ड में उसके यहाँ पर एक बिल्ली ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद देम, उसने अपना जो खाली समय उनके साथ बिताना शुरू किया। वन मॉर्निंग शंकर वॉज वोकन अप बाय द कैट्स क्राई, एक सुबह शंकर बिल्ली की रोने की आवाज से उठ गया। डू यू नो हाउ अ कैट्स क्राई, आप जानते हैं ना बिल्ली कैसे रोती है। ही रेन टुवर्ड्स द कोर्टयार्ड, वो कोर्टयार्ड की तरफ भागा। ही सॉ दैट द कैट वॉज क्राइंग
एंड कडलिंग इट्स थ्री किटन। उसने देखा कि बिल्ली रो रही थी कि उसके तीन बच्चे हैं, जबकि हुए उसके कितने बच्चे थे, चार। वन ऑफ द किटन वॉज मिसिंग, एक बच्चा मिसिंग था, लापता था। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालनी पेटिंग अ किटन। वो बाहर गया और उसने पाया कि मालनी जो है वो एक, उसके पास एक किटन है, वो एक किटन को पाल रही है, पेटिंग कर रही है। शंकर कॉल्ड मालनी इनटू हिज कोर्टयार्ड। शंकर ने मालनी को अपने कोर्टयार्ड में बुलाया। मालनी सॉ द कैट क्राइम, मालनी ने बिल्ली को रोते हुए देखा। व्हाट डू यू थिंक मालनी वुड हैव डन, आप क्या सोचते हैं मालनी ने क्या किया होगा? अगर मालनी की जगह आप बच्चों अपने आप को रख के देखो, मान लो आप कोई बच्चा ले आए हो, किसी डॉग का पपी ले आए हो या किसी कैट का किटन ले आए हो छोटा सा, और आपको पता नहीं है कि उसकी मम्मी ढूंढ रही है, और आप उसकी मम्मी को देखो कि वो बहुत रो रही है अपने बच्चे के लिए, तो आप क्या करोगे? आप उसका बच्चा वापस जाके उसके पास रख दोगे? सेम यही मालनी ने किया। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? मालनी वुड हैव रिटर्न द किटन टू देयर मदर, उसकी माँ को उसने लौटा दिया।